बकाया रुपया मांगने आए सहरसा कोलकाता के व्यापारी के साथ की मारपीट सदर अस्पताल में भर्ती। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले आपको। बकाया रुपया मांगना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। ये घटना है सहरसा की, जहाँ बकाया रुपया मांगना एक व्यापारी को उस समय महंगा पड़ा जब दरअसल कोलकाता के हावड़ा में पहली गंजी कपड़े की कारखाना के मालिक दिनेश कुमार गोस्वामी ने सहरसा के गंगजला स्थित मानसी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक पिंटू कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। जख्मी दिनेश कुमार गोस्वामी का कहना है कि 8 साल पूर्व मानसी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक पिंटू कुमार को 8 लाख रुपए के कपड़े दिए थे, जिसके बाद उन्हें 1 लाख रुपए की राशि बच गई थी। वो मांगने के लिए जब जख्मी दिनेश कुमार गोस्वामी उनके दुकान पहुंचे तो बकाया रुपया देने के बजाय उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए बकाया राशि मांगने के लिए व्यवसायी आए हुए थे। वहीं दुकान मालिक द्वारा की गई मारपीट में व्यवसायी दिनेश कुमार गोस्वामी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई। जख्मी व्यवसायी दिनेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि वे कोलकाता से सहरसा मानसी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक पिंटू कुमार से अपना बकाया रुपया मांगने आए हुए थे। हम कलकत्ता रहते हैं, मेरा सहेली गंजी के नाम से गंजी बनाते हैं हावड़ा में। यहाँ गंगजला चौक पर मानसी ट्रेडिंग कंपनी करके एक दुकान है, उसका मालिक का नाम मिंटू है और उसको हम माल बेचते थे। मेरा 7-8 साल से पैसा बाकी है और करीबन 7-8 लाख रुपया था। धीरे धीरे करके 5,000-10,000 ऐसे करके देते गया, अभी 2.5 लाख रुपया करके ओरिजिनल मेरा है बिना ब्याज का। अब ब्याज जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। हम पैसा मांगते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता था। अभी हम जैसे हर एक 2 महीना पर आते हैं, देता ही नहीं है। उसके बाद अभी 2 साल से खाली कोरोना दिखा दिया, ठीक है, लेकिन मेरा तो पैसा 7-8 साल का है बाकी। और क्या है कि इसका व्यापार चल रहा, सब कुछ कर रहा है। अभी हम रुपया मांगने गए तो बोलता क्या है, नहीं देंगे पैसा, चलो भागो यहाँ से, ज़्यादा बोलोगे तो जान से मतलब तुमको हाथ धोना पड़ेगा। मेरे साथ मारपीट किया और धक्का दे के पूरा मेरा खून पूरा बहा दिया। कौन है, किस नाम का इसका दुकान? मानसी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से गंगजला चौक पर। अच्छा, इसका मालिक का नाम है मिंटू, दबंगई दिखाता है। कुछ करिए, कुछ अगर आपको जो है ना जो करना सीधे करता है, कुछ नहीं कर पाइएगा, भागो यहाँ से। हम आए यहाँ पर, अभी सदर अस्पताल सहरसा में है, थाना में गए तो हम यहाँ पर अभी सदर अस्पताल में आके ट्रीटमेंट कराए हैं। हम यही आग्रह करेंगे प्रशासन से कि हमारे साथ न्याय हो। कहाँ दुकान है आपका? हम रहने वाले हैं हावड़ा सलकिया, मेरा कारखाना में हावड़ा अलीगंज के नाम से हावड़ा सलकिया जी। घर भी वही है आपका? हम वही रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश गोस्वामी। जिला ब्यूरो शिव कुमार भगत। जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना मुख्य उद्देश्य नंदन। जमुई जिले के गिद्धौर स्थित राज्य कार्यालय NGVSS बिहार पटना के निर्देशानुसार एवं सचिव NGVSS न्यू दिल्ली के आदेशानुसार संत शिरोमणि कबीर जन कल्याण संस्थान प्रेम नगर उमर बरहट जमुई में बिहार की आवश्यक बैठक कार्यालय कक्ष में प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश ठाकुर ने किया, जबकि संचालन मीना देवी सचिव के निर्देशानुसार सहायक संगठन सचिव नरेश रविदास ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सलाहकार कृष्ण नंदन पासवान उर्फ भारती जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यपालक अभियंता श्री JP पासवान और प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश चंद्र मुखी जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दिया जा रहा है, उन लोगों को हम लोगों के माध्यम से घर घर पहुँचाया जाए, उन लोगों को जागरूक किया जाए। इस बैठक में मौजूद थे नरेश दास, नरदेव शाह, सुनीता देवी, उमा देवी आदि लोग मौजूद थे। बैठक की गई, आप लोग बैठक किए तो इस बैठक का क्या उद्देश्य सर, क्या किन विषयों पर चर्चा किया गया? ये बिल्कुल स्वयंसेवी संगठन है, इसका नाम संत शिरोमणि कबीर जन कल्याण संस्थान है। इसका उद्देश्य है समाज में फैले कुरीतियों को समाप्त करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण निर्माण, कृषि, महिला सशक्तिकरण एवं विकासात्मक कार्य के लिए जिस लोगों ने, जिनको अभी वंचित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को आवास नहीं मिल पाया, उसको आवास प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य। ये जो संगठन आप लोगों का, ये पंचायत स्तर पर भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं? जी हाँ, पंचायत स्तर ने गरीब गुरुओं के घर तक। आपका परिचय? मैं कृष्णानंद पासवान और भारती जी, मैं प्रदेश सलाहकार हूँ बिहार का। वैसे मैं 5 राज्य का सलाहकार हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट।